हल्द्वानी में गैस रिफिलिंग के अवैध कारोबार का सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने भंडाफोड़ किया है। रामपुर रोड स्थित आईटीआई के पीछे कॉलोनी में एक गोदाम में प्रदीप जायसवाल नाम का एक व्यक्ति अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार करता है। इसकी शिकायत आज सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह को मिली, इसके बाद वह मौके पर पहुंची। यह लोग पानी की मोटर के जरिए गैस की रिफिलिंग करते हैं, ऐसा पहली बार देखने को मिला है। फिलहाल बड़ी संख्या में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर रिफिलिंग करने वाले पानी की तीन मोटर को पूर्ति विभाग ने कब्जे में लेते हुए सील कर दिया। प्राधिकरण ने अवैध तरीके से चल रहे गोदाम को सील कर दिया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अभी जैसा हमें सुबह सूचना मिली थी, मैम ने बताया था, तो हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आने पे हमने देखा है कि इस गोदाम में बगल वाले घर से एक संयोजन से बिजली दी गई है। संयोजन मीटर्ड है, डोमेस्टिक है, लेकिन दूसरे काम के लिए, दूसरे कैटेगरी के लिए यहाँ पर को इनको सप्लाई दिया गया है, जो कि गलत है। उसके लिए हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। संयोजन विच्छेदित कर दिया जाएगा इनका, और उसमें जो भी हमारे एक्ट के अकॉर्डिंगली पेनल्टी होती है, वो पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। अब मुझे ज्ञात हुआ है, इससे पहले भी इस परिसर पर दो बार फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी जा चुकी है और उसका फिर ये कार्रवाई हो रही है। हमारे द्वारा जो भी पकड़े जाते हैं उसके हम प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत दर्ज कर लेते हैं। कितने सिलेंडर जब्त किए गए हैं और क्या कार्रवाई की जा रही है आपके द्वारा? अभी आज वाले में किसी ने सूचना दी थी कि इस यहाँ पर जो आईटीआई है उसके पास गैस रिफिलिंग का काम बड़े पैमाने पे हो रहा है, जिसमें जो पानी की जो मोटरें होती हैं, जो पंप होते हैं, उसको उससे इसमें गैस भरी जा रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की ये काम किया जा रहा था, जिसमें सप्लाई विभाग, हमारी जो पूर्ति विभाग की टीम है, वो पुलिस और उनके साथ यहाँ पे जब इसमें छापेमारी की गई तो पूरा जो उन्होंने प्लांट लगा रखा था वो मौके पर बरामद हुआ है। टुल्लू पंप से किस पाइप लगाकर पूरा सिस्टम एक बनाया गया था।